हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू माय चैनल ज्ञापन एकेडमी सो इन दिस वीडियो यू विल नो व्हाट इज मोशन एंड इट्स सो लेट्स गो टू स्टार्ट चिल्ड्रेन फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मोशन मोशन इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी डाइट वी गिव डिफरेंट एक्टिविटी इट मीन दैट कि मोशन एक प्रकार की गतिविधि है जो हम अलग अलग गतिविधियों का अलग अलग नाम देते हैं ऑन that अदर हैंड वी कैन यानी से जब कोई वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन लाती है तो उस परिवर्तन को हम गति कहते हैं अगर आप इसको एग्जाम्पल के तहत समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि एक बच्चा है और ठीक उसके सामने कुछ दूरी पर एक टेबल के ऊपर वाटर बोतल रखा हुआ है जरा सोचिए कि उसको बहुत जोर से प्यास लगी हुई है और उस वाटर बोतल में रखे पानी को वो पीना चाहता है आप अपने पूर्वजों से एक कहावत सुने होंगे कि कभी भी कुआ प्यासे के पास चलकर नहीं जाती बल्कि प्यासे को कुएं तक जाना पड़ता है अब उस बच्चा को अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस वाटर बोतल तक जाने के लिए अपने स्थिति में तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा जो है इस वाटर बोतल के पास जाने के लिए अपने स्थिति में परिवर्तन करेगा और जब स्थिति में परिवर्तन होगी तो उस परिवर्तन को हम गति कहेंगे तो चलिए अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हमारा टॉपिक है व्हाट इज मोशन तो हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे मोशन इज अ यहाँ हम दो तरह के डिफिनेशन को लिख दिए हैं पहला कि मोशन इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी यानी कि मोशन एक प्रकार की गतिविधि है डेट वी गिव जो हम लोग देते हैं डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी अलग अलग गतिविधियों का अलग अलग नाम अब दूसरा डिफिनेशन को आप हिंदी समझ लीजिए वेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इज पोजिशन जब एक वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन लाती है दैट चेंज इज कॉल्ड मोशन तो वो परिवर्तन गति कहलाती है और हमने वैसे भी इससे पहले स्क्रीन पर आपको हम एक एग्जाम्पल के तहत भी समझा दिए हैं अब चलिए हम लोग काइंड्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं यहां लिखेंगे हम काइंड्स ऑफ मोशन मोशन के प्रकार चिल्ड्रेन वैसे गति के दस प्रकार होते हैं लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ पांच ही प्रकार के मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए पहले मोशन के बारे में हम डिस्कस कर लें। पहले मोशन मोशन, का नाम है लिनियर मोशन। जिसको हिंदी में कहते हैं रैखिक गति। स्टूडेंट इस प्रकार की गति में वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती है एग्जाम्पल के तहत आप समझ लें। तो मान लीजिए यह साइकिल है यह साइकिल है और यह साइकिल अगर बिल्कुल सीधी रेखा में यानी बिल्कुल सीधी रास्ते से गति कर रही है तो इस प्रकार की गति को हम लिनियर मोशन के अंतर्गत रखते हैं यानी रैखिक गति के अंतर्गत रखते हैं यानी आगे चलकर कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगी यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा से गति करेगी तो इस प्रकार की गति को हम लीनियर मोशन के अंतर्गत रखते हैं अब चलिए दूसरा मोशन विलीनियर मोशन जिसको हिंदी में कहते हैं वक्र रेखीय है गति इस प्रकार की गति में वस्तु घुमावदार पथ से गति करती है घुमावदार पथ कैसा होता है बिल्कुल ऐसा होता है ये जरूर नहीं कि ऐसा ही होगा मतलब टेढ़ा मेढ़ा आगे चल करके ऐसे होगा फिर ऐसे मतलब बिल्कुल क्या होगा ना कि सीधी रेखा नहीं होगी यानी बिल्कुल सीधा रास्ता नहीं होगा टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार बिल्कुल हर मतलब थोड़ी देर के बाद एक टर्निंग पॉइंट आएगी तो ऐसे रास्ते को हम घुमावदार रास्ता बोलते हैं और इस रास्ते पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो इस प्रकार की गति को हम कर्विलिनियर मोशन के अंतर्गत रखते हैं चलिए यहां पर भी एक साइकिल को बना देते हैं जैसे ये साइकिल है और ये क्या करेगी साइकिल घुमावदार रा... रास्ते से गति करेगी तो इस प्रकार की गति को हम कर्विलिनियर मोशन के अंतर्गत रखेंगे अब चलिए थर्ड नंबर सर्कुलर मोशन को समझते हैं सर्कुलर मोशन को हिंदी में कहते हैं वृत्तीय गति इस प्रकार की गति में वस्तु गोल आकार के पथ पर गति करती है यानी कि आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना ये एक प्रकार की सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है ये गति जो होगी ये सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल होगी जैसे मान लीजिए ये सूर्य है इसको ये सन है यहां नहीं बनाते हैं इसका एग्जाम्पल यहां ले लीजिए ये सूर्य है और इसके चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना ये चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना यानी गोल आकार में चक्कर लगाना गोल आकार में गति करना ये सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही खास एग्जाम्पल होगा यानी कि हर कोई वस्तु जो गोल आकार पथ पर गति करे तो इस प्रकार की गति को हम सर्कुलर मोशन के अंतर्गत रखते हैं तो चलिए अब हम फोर्थ नंबर मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं फोर्थ नंबर है ओसी सी मोशन जिसको हिंदी में कहते हैं दुलनी गति इस प्रकार की गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे ऊपर नीचे गति करते हुए दिखाई पड़ती है यानी अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं तो देख लीजिए एग्जाम्पल अगर आप समझ लेंगे तो पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाली है आप इसका एग्जाम्पल कपड़ा सिलने वाले दर्जी लोग जो होते हैं वो उस मशीन को आप देखे होंगे मशीन ऐसा होता है या आप मशीन देखे होंगे ऐसे और इसका एक नीडिल होता है मैं इसको फिर से बढ़ा देता हूं ये ऐसे होता है और आप देखे होंगे मशीन इसका एक नीडिल होता है जो एक निश्चित बिंदु पर आकर ऊपर नीचे बहुत तेजी से गति करते हुए दिखाई पड़ती है यानी कि ऊपर नीचे ही ये ना कि इधर उधर यानी ऊपर नीचे माने एक निश्चित बिंदु पर आकर गति करती है तो इस प्रकार की हम एग्जाम्पल को ऑसिलेटरी मोशन के अंतर्गत रख सकते हैं या फिर दूसरा एक और एग्जाम्पल ले है सकते हैं कि एक सेलिंग के उप जो ऊपरी सतह होती है उस पर आप एक धागे को बांध करके एक यहाँ एक पत्थर को बांध दीजिए और इसको यहाँ से खींच कर छोड़िए यहाँ से खींच कर छोड़िए यानी ए बिंदु से तो ये क्या होगा बी बिंदु पर जाएगी यानी यहाँ से इधर जाएगी फिर यहाँ से इधर जाएगी यानी कि इस प्रकार की यानी आगे पीछे ये ऊपर नीचे हो रहा था ना ये आगे पीछे यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होगा कि एक निश्चित बिंदु पर आकर आगे पीछे या ऊपर नीचे बराबर अगर गति करे तो इस प्रकार की गति को हम ऑसिलेटरी मोशन के अंतर्गत रखते हैं तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ नंबर मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं फिफ्थ नंबर मोशन का नाम देंगे वाइबरेट्री मोशन वाइब्रेटरी मोशन को हिंदी में कहते हैं कंपन गति स्टूडेंट्स इस प्रकार की गति में वस्तु बहुत ही तीव्र दोलन गति करते हुए दिखाई पड़ती है यानी कि जो दोलन गति होती है वो आगे पीछे या ऊपर नीचे तो गति करेगी ही गति में आगे पीछे या ऊपर नीचे ही गति होती है तो इसमें वाइब्रेटरी मोशन में होता क्या है कि बहुत तेजी से बहुत तीव्र दोलन गति करते हुए दिखाई पड़ती है तो ऐसे गति को हम वाइब्रेटरी मोशन के अंतर्गत रखते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं आप गिटार देखे होंगे गिटार को मैं बहुत अच्छा से बना दूं। गिटार ये हो गया इसमें शायद चार पांच वायर होते हैं ये मैं कंफर्म नहीं हूँ जो भी हो तो इस वायर को जब पकड़ कर हम लोग जब छोड़ते हैं तो बिल्कुल आगे पीछे बहुत तीव्र दोलन गति करते हुए दिखाई पड़ती है और इसके साथ आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है ये बात अलग है कि आवाज़ प्रोड्यूस होती है लेकिन जो आगे पीछे बहुत तेजी से दोलन करते हुए दिखाई पड़ती है तो इस प्रकार की गति को हम वाइब्रेटरी मोशन के अंतर्गत रखते हैं तो यहां आपको क्लियर हो गया कि कोई भी वस्तु जब बहुत तेजी से दोलन गति करते हुए दिखाई पड़े तो इस प्रकार की गति को हम वाइब्रेटरी मोशन के अंतर्गत रखते हैं तो चलिए अब हम लोग इसका एक एक करके डिफिनेशन को लिख लेते हैं काइंड्स ऑफ मोशन के पहले मोशन के डिफिनेशन की बात करें तो हम लिखेंगे लीनियर मोशन का डिफिनेशन इसका डिफिनेशन होगा इफ द ऑब्जेक्ट मोशन यहां हम तीन तरह के डिफिनेशन को लिख दिया है पहला लिनियर मोशन जिसको हिंदी में कहते हैं रैखिक गति इसका हम हिंदी समझा देते हैं इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग सिंपल लिनियर पथ यानी कि जब वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में गति करे तो देन वी कीप सच मोशन अंडर लीनियर मोशन तो हम इस प्रकार की गति को लीनियर मोशन के अंतर्गत रखते हैं अब कर्विलीनियर मोशन की बात करें तो इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स कर्विलीनियर मोशन को हिंदी में कहते हैं वक्र रेखीय गति इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्कर्ब पथ देन वी कीप सच मोशन अंडर कर्विलीनियर मोशन यानी कि जब वस्तु घुमादार पथ से गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम कर्विलीनियर मोशन के अंतर्गत रखते हैं तीसरा समझ लीजिए सर्कुलर मोशन जिसको हिंदी में कहते हैं वृत्तीय गति इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पथ यानी कि जब वस्तु गोल आकार पथ पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम सर्कुलर मोशन के अंतर्गत रखते हैं यानी कि तीनों का हिंदी आप समझ गए और तीनों का इंग्लिश में डिफिनेशन यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चिल्ड्रेन आपका तीन डिफिनेशन कंप्लीट हो गया दो और डिफिनेशन लिखना है तो चलिए अभी इसका भी लिख लेते हैं फोर्थ नंबर में ओसिलेट्री मोशन ओसिलेटरी मोशन अगर हम इसका डिफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे इफ द ऑब्जेक्ट मोशन तीन पहले क्लियर हुआ दो अभी क्लियर हो गया और मैं आपका इसका हिंदी में समझा दूं ओसीटरी मोशन जिसको हिंदी में कहते हैं दोलनी गति इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी कि जब वस्तु आगे पीछे अराउंड ए सर्टेन पॉइंट एक निश्चित बिंदु पर करे देन वी कीप सच मोशन अंडर ओसीलेट्री मोशन तो इस प्रकार की गति को हम ओसीट्री मोशन के अंतर्गत रखते हैं वाइब्रेटरी मोशन की अगर बात करें तो इफ द ऑब्जेक्ट मेक्स मेक्स ए फास्ट ऑसिलेटिंग मोशन अगर वस्तु बहुत तीव्र दोलन गति करें अंडर वाइब्रेटरी मोशन तो इस प्रकार की गति को हम कंपन गति के अंतर्गत रखते हैं यहाँ आपका दोनों डिफिनेशन क्लियर हो गया है यानी दो इधर और तीन पहले का ये मिलाकर टोटल पांच डिफिनेशन इसमें क्लियर हो गया आज के इस वीडियो में आप पांच मोशन के बारे में पढ़ें आगे वीडियो का इंतजार करें तो पांच और मोशन के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं तब तक के लिए आप इसका स्क्रीन ले लीजिए तो चिल्ड्रन आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जय हिंद जय भारत